जवान कहाँ जा रहा है? अली का फरमान है मालिक कि उन जालिमों को किताब खुदा की दावत दें, उसे मार डालेंगे। मालिक, बाबा ने उसे मौत की खबर दे दी, वो खुद अपनी खुशी से गया। अय्यूहन्नास, अली, तुम्हें किताब खुदा और सुन्नत रसूल खुदा की तरफ दावत देते हैं, हम सब आपस में भाग। अब हुज्जत तमाम हुई, खुदा का शुक्र हमें जहाद नसीब हुआ। जब अली शिद्दत दर्द से अपना गरेबान चाकर लें तो समझो उनकी सुलह की उम्मीद टूट चुकी है। ऐ काश ये लोग अली के दर्द दिल को समझते। मालिक, नहीं नहीं मोहम्मद, अभी नहीं। अज़दियों को जुन्दब जैसा अपना हरीफ चाहिए। बिलाखिर दमिश्क के ऐश परस्तों के शूम इरादों को
अस्कर व जमल नामी ऊँट ने अपने सर ले लिया और उसने हजरत अली अलैहिस्सलाम के शमशीर जनों के गैज़ व गज़ब के मुकाबिल नातवान होकर जानू टेक दिए और बसरे का सूरज खूनबार हालत में अपने अफुक पर गुरूब हो गया। इस तरह जमल की भयानक जंग अपने अख्तिताम को पहुंची। इमाम ने खून जिगर के साथ तलहा के जनाजे पर गिरिया किया और जुबैर पर भी रोए, जिन्हें बयाबान में किसी अरब ने कत्ल कर दिया था। अस्कर नामी ऊँट को सामरी के बछड़े की तरह, जिसे हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जलाया था, जलाया गया और उसकी राख नहर में बहा दी गई ताकि वो सादा लोह और शुतुर परस्त लोग समझ लें कि ये बदनसीब बुत मौजजा दिखाने के काबिल नहीं है। उस्मान के कुर्ते का शोर शराबा बज़ाहिर हजरत अली की कामयाबी पर तमाम हुआ, लेकिन इमाम के चेहरे अनवर पर कामयाबी की मामूली सी खुशी भी जाहिर न हुई। गोया खुद इमाम की निगाहों की तरह कोई निगाह होती जो उस मनहूस सहरा में जनाजों के दरमियान घूमती और इमाम अली अलैहिस्सलाम के दिल के टुकड़े बिखरे हुए देखती। उम्मुल मोमिनीन आयशा 40 खवातीन सवारों के हमराह जो मर्दों के हुलिये में थे मदीने भेज दी गई। इमाम ने अपने अब्बास को वाली बसरा मुकर्रर किया और ख़ुद इसके बावजूद कि मदीने में आपके अजीज तरीन अफराद की खबरें थीं, कूफे की जानिब हिजरत फरमाई और शहर कूफा को अपनी नई हुकूमत का दारुल हुकूमत करार दिया कि शायद आपके मौज़िन की आवाज़ अज़ान माविया की इशरत आमेज सल्तनत के शोर शराबे से गुजर कर उसके कानों तक पहुँच जाए। काश मेरा हाथ टूट जाता, काश मैं उसको अली के सामने बैयत के लिए दराज न करता। लानत! उसने मुझसे कहा था तेरा हाथ यहूदी का हाथ है। बस यही कहा था? वो अली की गैब गोई से परेशान है। तुमने नहीं सुना उन्होंने मरवान का मुकद्दर बयान किया था? ओए मेरे यहूदी चचा की औलाद, हमें भी तो बताओ अली ने तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में क्या कहा था? हाँ? कहा, मैं बस इतनी हुकूमत करूंगा जैसे कुत्ता अपनी नाक की गलाजत चाट के बैठ जाता है। और कहा, मेरे चार ऐसे बेटे होंगे जो लोगों की जिंदगी को जहन्नम में तब्दील कर देंगे। अली के इल्म में शक ना करो। अपने बेटों के बारे में परेशान क्यों होते हो? उनको तो अपने बाप दादाओं पर पढ़ना है। रही हुकूमत और कुत्ते की नाक की बात, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। आले उमैया की नसीब में हुकूमत की हवस, एक लाइलाज बीमारी है। काश मेरी तकदीर में दोबारा हुकूमत कूफा कुत्ते की दुम हिलाने के बराबर भी होती तो कूफा होती,
आज के बाद कूफे की गलियों से गुजरने के लिए भी शेर का दिल चाहिए। मरवान, उठो, शाम का रास्ता दराज है। अक्ल मेरी घोड़ों पर सवार, निगाहें मेरी मुस्तकबिल के पर्दों के पीछे, अपने दिल को तेरी निगाहों के नाम कर दूंगा। ऐ आशूब जहां काली आंखों वाली, मौत की दुल्हन कुताम कुताम। बर्बाद हो गया इब्ने आमिर। सब गर्मी का असर है, तुम्हारा सर मुबारक जोश मार रहा होगा। एक ऊंट के बराबर भी हमदर्दी नहीं रखते हो। मुकद्दर में यही है कि माविया आले उमैया की जिल्लत और नाबूदी उठाने वाला ऊंट बने। सुना है मैंने जो कुछ तुम पर गुजरी है, कुत्ते के मुंह की हड्डी हो जाए माविया का दिल अगर एक लम्हा भी गैर माविया के लिए तड़पे। एक मुद्दत से हिजाज अपना गुस्सा हम पर उतार रहा है। बनी हाशिम ख्याल करते हैं कि हाशिम और उमैया की मिसाल वही हाबिल काबिल की मिसाल है जो मुद्दतों से रही है और शायद हमेशा बाकी रहेगी। आज तकदीर ने हमें जिलावतन कर दिया। हमें हक नहीं है कि अपने अजदाद की सरजमीन हिजाज में रहें। ठीक है, अगर मुकद्दर ने हिजाज की रियासत हमसे छीन ली है तो हम खुद अपने जोर बाजू से तकदीर को मात कर देंगे। थके हुए हो, शायद मेरी बातें तुम्हें तकलीफ दे रही हो, लेकिन ये जान लो फातह जमल ना अमीरुल मोमिनीन अली है ना उम्मुल मोमिनीन आयशा, बल्कि फातह जमल तुम लोग हो। तुम लोग जिन्होंने हिजाज में बनी उमैया के बीज को अपने खून से सींचा है। खुशामदीद, अगर मैं जानता हूं कि बहुत खुश नहीं हो, शाम को अपना ही घर समझो, मेरे चचाजाद भाई हो। खुशामदीद। खुशामदीद, आइए तशरीफ ले आइए भाइयों। हाथ मुंह धोने के लिए पानी लाओ। सुना है जमल से भागे हुए लोग सीस्तान पहुंचकर एक नया हंगामा बर्पा कर दिया है। जब तक अली उन लोगों में मशगूल है, हम मिस्र का काम तमाम करते हैं। उन लोगों को जो साबिक खलफा से थोड़ी सी भी रिश्तेदारी रखते थे नामे भेज रहा हूं। साद इब्ने अभी वक्कास और उमर इब्ने खत्ताब के फर्जंदों जैसे लोग हमारे लिए हजारों दीनार से ज्यादा अहमियत रखते हैं। जिन्होंने कोड़े खाए हैं या किसी भी सबब अली के अदल व इंसाफ से तंग हैं, हमारे लिए बेहतरीन गजा साबित हो सकते हैं। कूफे में बेवकूफ अशरी को भी नहीं भूलना चाहिए। अगरचे वो कूफे में टूट फूट गया है, फिर भी उसका टूटा हुआ कोई हिस्सा हमारे काम आ सकता है। अमीरजादा तशरीफ ले आए। Thank you.
हाथ में शिकार भी है। उनका तीर कभी खाली नहीं जाता। मरहबा सैयद। मरहबा। मरहबा सैयद जान। عليكم السلام. शाम को हुस्न दुनिया की दुल्हन लिखा है। बस इतना ही? तकरीबन उसी खत जैसी धमकी जो हमने अली को लिखा है। बदकिस्मती से एक मुसीबत और। इन तलवार और तफरीके के अय्याम में हम पोप के मानने वालों से हिमायत और तआवुन की तवक्क रखते थे, न धमकी की। मगरिब के हुक्मरान सियासत में मशहूर हैं। सुना था कि अपने ममालिक के अलावा ये लोग दूसरे ममालिक को भी गल्लाजात भेजते हैं। क्या सजार इंजील नहीं पढ़ता? क्यों नहीं, लेकिन इतनी ही इंजील पढ़ते हैं जितना तुम कुरान पढ़ते हो। जहां हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो, सिस्तान से लेकर काबुल और खुरासान तक के इलाकों से बगावत की आवाज़ें उठ रही हों, हर वाली अपने इलाके में अपनी मर्जी का मालिक बनना चाह रहा हो, ऐसे लूटमार के माहौल में अगर सजार न ललचाए तो बेवकूफ़ है। शाम को मांग रहा है कुस्तुन्तुनिया की दुख्तर, हमारी दुल्हन है। अरब गैरत वाले होते हैं, अपना सर दे सकते हैं लेकिन नामोस नहीं। जाहिल अरब मुमकिन है एक फितना परवर दुल्हन के लिए खून खराबे पे तुलाए, लेकिन मुसलमान अरब आलम हाशोब दुल्हन को तलाक दे के धुतकार देता है। शाम दुल्हन नहीं है अम्र, बेहिश्ती हूर है, और ऐसी दिलरुबा हूर के लिए दीन और दिल भी दिया जा सकता है। उन कमबख्तों के लिए कोई माकूल जवाब है? फिलहाल तो इन्हें मसरूफ रखना होगा भाई अजीज। शाम की कुछ हसीन कनीजों और सोने चांदी जवाहरात से भरे थानों के जरिए कुछ दिन इन्हें उलझाए रखो। जब हम अली से फारिग हो जाएंगे तो दोबारा इन्हें शमशीर अरब का मजा चखा देंगे। रोब के साथ बात करो, ऐसा ना लगे कि सुलह करने पर मजबूर हो। सजार ने इन लोगों को मुकम्मल इख्तियारात दिए हैं। सजार लिए दे तो तोती इल बुतेर दी पर ला गुएरा सी जंग करने के लिए इख्तियारात दिए। अच्छा, हम चाहते हैं कि सजार या उसके साहिब इख्तियार अफराद के साथ मुसालेहा और मुआमले के सिलसिले में मुजाकिरात करें। पर ला पाचे देवनो पार्लारे डिरिटामेंटे कौन इल चेजारे। मुसालहत के लिए हमें सजार से बात करनी होगी जनाब। तो करें बात, लेकिन सजार से इतना जरूर कह दें
कि अरबों की लड़ाई घर के झगड़े की तरह है। सुबह लड़ते हैं तो शाम को एक दस्तरखान पे बैठ जाते हैं। घर की लड़ाई अरबों के नजदीक तलवारों की मशक है। अगर सजार ने मिट्याला पानी देखा है तो देखा हो, लेकिन होशियार रहे कि मछली के बजाय मगरमच्छ न पकड़े। अरब बाज देने की आदत नहीं रखता, लेकिन हाजिर है कि दोनों हुकूमतों के दरमियान एक ऐसा मुआहिदा हो जिससे दोनों हुकूमतों का फायदा हो। Va bene, non verbalizzano il loro massaggio. अपना पैगाम आप लिखकर नहीं देंगे? मुझे सजार की तरह लिखने का शौक नहीं है, जो लतीफे लिखकर पड़ोसियों को भेजता रहूं। अब जा सकते हो। मेरे ऊंट के पालान को अबू मकतूर से, जो रिश्ते में मेरा ससुर भी है, दिलवा दो, फिर जिसकी चाहो मैं बैत कर लूंगा। ये खत कूफा जाना चाहिए। मैं अपने तमाम कौम और कबीले के हमराह तुम्हारी बैत करता हूँ। तुम्हारी माँ हिंदा के मुझ पर बड़े एहसानात हैं। एक मर्तबा सहरा से लकड़ी बटोरे थका मांदा पैदल चला रहा था, देखा हिंदा ऊंट पर सवार सहरा की जानिब से चली आ रही है। और पढ़ूं आगे? लाओ मुझे दो। दे इब्लीस। पढ़ो। तुम तो तुलाकाम से हो अबा यजीद, वही जिन्होंने जब तक तलवार अपनी गर्दन पे न देख ली मुसलमान न हुए, शहादतें जारी न की, खुदा और रसूल समझ में न आए। हमें अपने हाल पे छोड़ दो, खलीफा होने की आरजू अपने दिल से निकाल दो। अपनी सूरत आईने में देख लो, कहीं से भी यूनानियों में नहीं मिलती। नाक भी रगड़ लो, शाम एथेंस नहीं बन सकता। ये तुमने बेकार पढ़ा है, चलो दूसरा पढ़ो। वो जला दो, जला दो उसे। हाँ हाँ जला दो उसे। हाँ होशमंदाना, सबसे होशमंदाना खत साद इब्न अबी वक्कास फातह ईरान ने लिखा है। उमर ने कुरैश के चंद अफराद पर मुश्तमिल शूरा बनाई, जो हर एतबार से लायक लोग थे। जब तक शूरा के अफराद जिंदा हैं, हुकूमत का हक किसी और को नहीं है। तलहा और जुबैर से मैंने कहा कि खामोश रहें, नहीं सुना और बैत शिकनी की।
सात जैसे लोग थक चुके हैं अबायजीद, तलवार उठाने की सकत नहीं, जंग की हिम्मत नहीं, खिलाफत से ज्यादा अपने आराम और सुकून की फिक्र में लगे हैं। इससे ज्यादा काम नहीं करता उनका दिमाग। उनको अगर मदद करनी होती तो आयशा बेहतरीन बहाना थी। हमारी मिसाल दलदल में गिरे हुए अफराद की तरह है, जितना हाथ पैर मारेंगे उतना ही धंसते चले जाएंगे। तुमसे क्या पोशीदा अम्र, मैं अली से बहुत खौफजदा हूं। अली के आगे घुटने टेकने और निदामत पेश करने में अभी देर नहीं हुई है। बस एक निदामत नामा लिख दो। जुरैर भी इसीलिए शाम आया हुआ है। इस दफा कतई जवाब चाहता है, इशारों और किनायों से थक चुका है। तुम अगर मेरी जगह होती तो क्या करते अमर? अबा यजीद, जब तक अली की अदालत बरपा है जर्रा बराबर फिक्र न करो। अदालत ही ऐसा एक शहद है जो इंसान की तबीयत को तलख महसूस होता है। शहरे कूफा इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हुकूमत का मरकज। वो चाचा कहाँ? अली से मिलने। उनके पास फुर्सत नहीं है, वो हुकूमती कामों में मसरूफ हैं। हमारा मिलना भी हुकूमती अमर है। जाओ बाबा जाओ, पहले अपने पैर धो लेना फिर यहाँ आना। मैंने अपने पैर तो धोए हैं, खोल कर दिखाऊं तुम्हें? पैर धो लिए तुमने, थैले का क्या करोगे? कितने दिनों से पैरों पर पानी नहीं डाला चाचा। इब्ने खबाब जी, क्या वापस जाना होगा? नहीं खालू जान, नहीं। इब्ने खबाब क्या है? अली कहाँ है? मस्जिद में। पैर पहले धोने होंगे फिर मौला अली से मुलाकात। हमारे पैर जख्मी हैं, धोने से वर्म आ जाता है और पैरों से खून निकलने लगता है, पैर फर्श से चिपक जाते हैं। सुन लिया चचा, उनके पैर फट गए, नहीं धो सकते। इब्ने खबाब इन्हें बताओ, हम गरीब हैं, फकीर हैं, काश्तकार हैं, ज़िराअत करते हैं, अली से मिलने आए हैं। भाई गुरबत से पैरों के फटने का क्या वास्ता? कूफे के साथ दरिया बह रहा है, इराक में मिट्टी से ज्यादा तो पानी है। पानी रोटी तो नहीं है जो मुफ्त ना मिल सके। क्या तुमने नहीं सुना कि पाकिजगी ईमान से जाओ फुरात जाओ, वहां जाके 10 बार नहा सकते हो। तहरा नशीन खाक नशीन होता है चचा जान, सुबह से शाम तक मुर्गे सुलेमान की तरह जमीन पर चोंच मारता है। रिस्क और रोजी के लिए अगर जमीन से सरोकार ना हो तो आदमी किस काम का। चलो बाबा जाओ, यहाँ से जाओ। क्या मस्जिद के फर्श को ना जिस करना चाहते हो? यानी हम कुत्ते हैं? कुत्ते भी खुदा की मखलूक है चचा। चलो चले चले हैं, मेरे पीछे आओ चलो। अगर मैंने सही सुना है तो इसी घर के मालिक की कसम, तुम्हारी जबान कटने की मुस्ताक है, लोगों को क्यों रोकते हो? कमर टूट जाती है मालिक, रोजाना फर्श धोते धोते। तुम एक जमाने से खुदा के घर में हो लेकिन अब तक नहीं समझा कि बंदगाने खुदा उसके घर और फर्श से मोहतरम है। नहीं समझा और ना ही समझना चाहता हूँ मालिक, मुझे अली के काम समझ में नहीं आते। हलाल हराम नजिस पाक भी तो कोई चीज है, उनके पैरों से बदबू आ रही थी।
अबा यूसुफ, कुछ दिन सब्र करो, मैं वादा करता हूं कि चटाइयां धोने में तुम्हारी मदद करूंगा। ठहरिए आप लोग, कहां जा रहे हैं? आप लोगों ने खुलूस और अकीदत के साथ अली की बैत की है। आप लोगों की वफादारी और मोहब्बत पर तो मुझे भी रश्क आता है। थके और बूढ़े आदमी के गुस्से का बुरा ना मानिए। इस घर का खादिम मैं हूं, आपके कदम सर आंखों पर। हम किसी लालच के खातिर कूफा नहीं आए मेरे भाई, जाहिर हैं और शौक ज़ियारत हमें यहाँ लाया है। 3-4 दिन से सफर में थे, क्या ये अच्छा था कि हमारे पैरों की वजह से हमारे दिलों को दुखाया जाता था? मैं इस बात की अली के खुदा से शिकायत करूंगा। आपके अखलास से जाहिर है कि आप मेहरबान लोग हैं। अबा यूसुफ को मेरी खातिर बख्श दें। सब लोग एक ही कबीले से हैं? जी, एक ही कबीले से। ये है हम देहातियों की वफादारी की तहरीर। फकत एक मोहर है, बाकी लोगों ने अंगूठा लगाया है। आप मौला अली के बेटे हैं? मैं अबू बकर सिद्दीक का बेटा, अली की गोद का पला हूँ। अच्छा, तो मोहम्मद बिन अबी बकर आप हो? आपकी दास्तानें तो बहुत सुनी है भाई। वाह, मरहबा। इब्न खबाब जी, ये जवान हसन है या हुसैन? कोई नहीं। इब्न खबाब क्या है? तो क्या अब्बास हैं? नहीं मेरे बाबा, नहीं। अमीर कूफा को कूफे की रियासत में लोगों के मसाइल की रसीदगी करना चाहिए। ये अली मस्जिद में क्या कर रहे हैं? खुदा के घर को जिक्र दुआ करने वालों के पास रहने दो, इंसाफ मांगने वाले कसरे अशरी में अली के अदल का एजाज देखना चाहते हैं। इन्हें शफा नहीं दोगे अमीर? अमीर कूफा अमीर अल-मोमिनीन है इब्न कुवैलद, जो पैगंबर अली और मालिक में फर्क न देख पाए। यकीनन वो माविया के कासिदों और जिब्राइल में भी फर्क नहीं देखता होगा। कसर कूफा तुम्हारी आयात की तरह ताबूत है कीनों का, जो बर्बाद करता है शफा नहीं देता। अली की अदालत मस्जिद कूफा में लगी, क्या अपने ही शर की शिकायत लाए हो? मकान को अगर उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो वो खराबे में बदल जाता है। अगर कसर इमारत के मीनारों पर अजान दी जाती रहे तो बेहतर है, या वीरानों में जुगदान बजाना बेहतर है। ये सितम नहीं कि इतनी अच्छी इमारत को यूं ही बेमसरफ छोड़ दिया जाए। अगर अली कसर से बेजार है तो कोई बात नहीं, मेरे हाथों भेज दो, मैं उसकी अच्छी कीमत अदा कर सकता हूं। आहिस्ता सदी, कहीं अली न सुन ले। अगर सुन लिया कि तुम कसर खरीदने की ताकत रखते हो तो तुम्हारे माल का हिसाब छलनी से करेंगे। छलनी से या ज़ुल्फ़िकार से? छलनी से। छलनी से क्यों मालिक? अली के पास ऐसी छलनी है जो हराम को हलाल से जुदा कर देती है। जिस माल पर शुभा हो उसको उस छलनी पर डालते हैं, जो छलनी में बच जाता है वही माल साहिबे माल को वापस करते हैं। क्या छलनी इजाज़ इमामत है? हमने तो अली की अदालत मीजान से सुनी थी, छलनी से नहीं। अंधा देख नहीं चलता। हाँ अंधा हूँ, अंधा नहीं देख सकता मैं, सिवाय अली के किसी को देखना नहीं चाहता। इस मर्द को खुद की अदालत गिराएगी। रवाना हो रहे हो कैस? साथ किसका है? खुदा साथ है। अली तो कहते हैं कि मैं लश्कर ले जाऊं, लेकिन मैं मिस्र को लश्कर के बगैर फतह कर लूंगा। क्या सुना नहीं बनी उमैया की औलादों ने अपने हुज़ैफ़ा के साथ क्या किया? उन्हें मकरोहीले से मार दिया। देखना मैं भी
उनका मकर हीले से जवाब दूंगा। लश्कर अली की मदद के लिए यहीं रहे। पहचाना मोहम्मद? उसके दो जुमलों में दो मन का वजन था। मुझे उस पर एतमाद नहीं है। वो मिस्र को माविया के हवाले करेगा। अली के इंतखाब में शक ना करो मालिक, जरूर कोई मसलहत होगी। तुम इतने बेताब लग रहे हो, क्या बात है मोहम्मद? परेशान हूं। लगता है मदीने की याद है। तब से परेशान हूं। अकील या ठोकर खा रहे होंगे या फिर कहीं उनके असा ने खता की होगी। गड़े में गिरेंगे या कुएं में गिर जाएंगे। अम्मार दिन रात बाबा से तकाजा करते थे कि बैतुल माल से उन्हें कुछ सरमाया दें ताकि वो उससे कुछ तिजारत कर सके। यकीन नहीं आता। जाके सुनो अम्मार, यकीन कर लोगे। अकील कसीर औलाद रखते हैं और बीमार हैं। कुछ देर आंखें बंद करके उनके अहल वयाल के बारे में सोचो, दीवाने हो जाओगे। काश मैं दीवाना हो जाता तो हमारी जिम्मेदारी रोशन हो जाती। आ गए। सब ठीक ठाक तो है अकील? क्या पूछते हो अम्मार? खुदा का शुक्र आंखें खराब हैं, उसकी मर्जी। जूतियां फटी हुई हैं पर हैं तो। मेरे अहलोयाल भूखे नहीं, शुक्र खुदा का। क्या मेरा भाई खजाने का मालिक नहीं है? आखिर क्यों ना खैरियत हो? रोजाना दसियों बार ना हमवार रास्तों से गिरता पड़ता यहां तक आता हूं ताकि अदालत मुझे मिल जाए। कुछ कहता हूं तो हंसते हैं, रोने लगता हूं तो खामोश हो जाते हैं। ना शुक्री ना करो मोमिन, ये तो सआदत है जो तुम अजाब से बच जाओगे। मेरी मुश्किलों को तुम नहीं समझ सकते हो अम्मार। एक लुकमे के लिए ना जाने कहां कहां भटकता फिरता हूं मैं। तुम्हें क्या खबर? मुझे नसीहत करने के बजाय मेरी इन मुश्किलों को मेरे भाई तक पहुंचाओ। क्या हुआ मुआकी? खामोश। ये सीधा साधा अकील अगर अपने भाई की खामोशी को आता ना जाने तो फिर क्या करे? अम्मू जान, उसी आम शहरिये पर कनात कीजिए। क्या फालतू की बातें करते हो? अली से मैंने मिस्र की हुकूमत तो नहीं चाही। अली का करम तो मशहूर है, कोई भी उनके घर से मायूस नहीं जाता। मेरे मौला, मैं जानता हूं कि अकील की बीमारी को लिहाज रखा होगा। मैंने देखा है कि वो आजकल परेशान है। शायद उनकी दरामद उनके अखराजात को पूरा नहीं करती है, लिहाजा अगर मुमकिन हो तो उनकी तनख्वाह में कुछ रकम बढ़ा दीजिए।
इस हिसाब किताब ने तो अली की नमाज शब की जगह ले ली है। बड़े मशगूल नजर आते हो। महसूलात का पल्ला इखराजात के पल्ले से तो भारी ही होगा। खुदा का शुक्र इराक की सरजमीन दजला और फुरात की वजह से बड़ी जरखेज है। यहां के लोग अहले हिजाज से ज्यादा मालदार हैं। सुना है खुम्स और ज़कात देने में भी कंजूसी से काम नहीं लेते। ऐसी सूरत में तो हुकूमत का खजाना भरा होना चाहिए। सिक्कों पर कहीं जंग न लग जाए, गल्ले कहीं कीड़ों की नजर ना हो जाए। खुदा तेरे दिए और ना दिए पर शुक्र, शुक्र के आले हाशिम को अपनी जिंदगी में मालदार देख लिया। अगर खुदा चाहे फकरो फाके के अय्याम अब तमाम हुए, अब नेमतों का जमाना आ पहुंचा। अच्छा तो भाई अली, कल अलसुबह मैं मदीने जा रहा हूं। अगर कोई काम, कोई पैगाम और इन सब से जरूरी अगर कोई तोहफा हो जो इस नाचार भाई के लिए ज्यादा सफर बन सके। मेरे भाई, अपने किए हुए वादे को भूल मत जाना। मुझसे पहेलियां पूछते हो, मुझे आग से डराते हो, अब टूटे हुए दिल का क्या करोगे? लीजिए अम्मू ये लीजिए। हराम है हराम अगर तुम्हारे दिए पर एतमाद करूं। आपके लिए बनाया अम्मू। कहो अम्मू जलील, अगर मैं अम्मू अकील होता तो तुम इतनी नाइंसाफी मेरे साथ ना करते। आजकल जिस गरीबो बेनवा का हाल पूछो तो वो इसी अली की अताओ बख्शिश के गीत गाता हुआ नजर आता है, और जब अकील की बारी आती है तो गरम चिमटे से दोजख को याद दिलाया जाता है। वो गरम चिमटा दोजख के दरवाजे की चाबी थी अम्मू। वो चिमटा हर दिल के अंधे को बीना कर देता है अम्मू। आपने बाबा से उनके ईमान का मुतालबा किया था अम्मू, तो ये बाबा की आदत है कि वो जिनसे भी मोहब्बत करते हैं उनकी मामूली सी खता भी माफ नहीं करते। जानते हो एक दिन मैंने एक रहगुजर से कहा कि वो मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। वो शख्स बनी उमैया में से था। जानते हो उस शख्स ने मुझे घर पहुंचाने के बजाय मुझे कहां पहुंचा दिया? एक कुएं में। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अली का भाई था। 2 दिन तक उस कुएं में पड़ा रहा और अपने को यह तलकीन करता रहा कि यह तुम्हारे लिए जंग खंदक की तरह है अकील, और आज ये उस जंग का माल गनीमत। गनीमत जहाद, खुद जहाद है अम्मू। 2 दीनार और घोड़े की लगाम नहीं। बस रहने दो, अब ऐसा वक्त आ गया है कि मुझे बच्चों की नसीहतें सुनना पड़े। मार डालूंगा अपने दिल के शुतुर को, ताकि हर अजनबी घंटी की आवाज पर अपनी गर्दन न हिलाए और उसके धोखे में ना आए। कहां? कहीं भी चला जाऊं मगर इस घर से निजात मिल जाए। दरवाजा उधर है। दूर हटो, मुझे रास्ता ना बताओ। अली, अली।